आ गए सागर जी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं खाना खाकर आया हूँ। ऑफिस की पार्टी थी, वहीं पर खा लिया। पार्टी? लेकिन सागर जी, आप तो मीटिंग में गए थे, तो फिर पार्टी कैसे? अरे मही, पार्टी में जाने का मेरा मूड नहीं था, मैंने तो प्लान कैंसिल कर दिया था। लेकिन तुमने अचानक शॉपिंग करने का प्लान बना लिया, तो मैं घर में अकेला क्या करता? तो कलीग से कहने पर मैं पार्टी में चला गया और देर हो गई। तुमने खाना खा लिया ना? मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अगर आपने खाना खा लिया तो फिर सो जाते। अच्छा सागर, वो लॉयड इंडस्ट्रीज का तुम्हारे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? अरे मॉम, बस मिल ही गया समझो। बस एक लास्ट मीटिंग बाकी है जिसके लिए मुझे सिंगापुर जाना है। सील द डील मॉम। वाओ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मॉम। हाँ भाई, लड्डू। कौन सा लड्डू? लड्डू 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 ओ सुबह साथ के लिए बोलते हैं ना, दूध ऐसे, दूध लद ऐसे, तुझ दूध, गुड लक। थैंक यू। सागर भैया, सोनिया भी आपको गुड लक विश करती है। मस्त। थैंक यू। सागर भैया, सोनिया ने सुना है कि सिंगापुर में मेकअप किट बहुत अच्छी मिलती है। मॉम आपको पता है, चाइनीज सुपरस्टार वही मेकअप लगा के अपनी उम्र को कम दिखाते हैं। तो सागर भैया, आप सिंगापुर से सोनिया के लिए एक मेकअप किट लेकर आएंगे प्लीज? अरे 100% भाभी, जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू। लेकिन सागर जी, ये सिंगापुर जाना कब तय हुआ? सिंगापुर मही। अरे मही, मैं बताने ही वाला था, लेकिन कल रात को तुम्हें देर से आया था ना, तो बता नहीं पाया, इसलिए अभी बता रहा हूँ सबके सामने। आज रात को मैं सिंगापुर जा रहा हूं। वीजा तो मिल चुका है, बस पैकिंग बाकी है। अच्छा तो मैं निकलता हूं। बाय। अभी देखना, उसकी सास पीछे से आएगी और बोलेगी कि क्या कर रही हो, 7 बजे देखा था तभी भी ऐसे ही आया था। देख, आया ना, आई न्यू इट। हाय मॉम, कैसे हो? कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया आज? अरे मॉम, वो महीने पापा जी के लिए खाना बनाया था ना, और हमने रोहित के लिए शॉपिंग की थी ना, वो सब कुछ भिजवा दिया। मस्त था। और हाँ मही, थैंक यू सो मच। रोहित को तो वो सब घाघरा चोली वगैरह ना। भाभी थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती क्या? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओके। क्या हुआ मही? सासुमा, मुझे लगता है सागर जी को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये तो एक दिन होना ही था, और दोष सागर का नहीं है, दोष तुम्हारा है। पता था, अब तो मुझे ही दोषी ठहराएंगी ना।